ये सब घूमने हमने 100 किलोमीटर भाई अभी तक कवर कर लिया है और काफ़ी अच्छा लगा भाई राइड करके। और अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और बाइक वाली लेन में चल रहे हैं। जस्ट हमने पीछे ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट में भाई हमने आलू पराठा मंगाया था और चाय, वो भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और वहाँ से जस्ट निकले भाई और हमें यहाँ से यार कवर करना पड़ेगा। अब जहाँ से हमने खाना खाया था वहाँ से 83 था और अभी हमने 10-15 किलोमीटर कवर कर लिया होगा तो अप्रोक्स हमें 60 या 65 और कवर करना है अभी। तो गाइस सीधे अभी एक सोचते हैं कि एक दो स्टॉप लेंगे और देन एक दो स्टॉप के बाद सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे रहेंगे जो कि है मथुरा। और भाई खींचने ही मज़ा आ रहा है क्योंकि भाई हाईवे है और हाईवे पे भाई गाड़ी जो जा रही है ना 150 प्लस जा रही है भाई, 150-150 प्लस गाड़ी जा रही है शू शू करके। और इस वाली लेन पे हमारी बगल वाली पे उस पर हम नहीं जा रहे भाई क्योंकि अपनी भागती है 100 और वो भागती है 150 कार, इसलिए भाई हम इसी लेन पे अपनी। तो गाइस यहाँ पे भाई हमने लिया था ब्रेक क्योंकि हमने नॉन स्टॉप खेल दी होगी 15-20 किलोमीटर और यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ। और भाई अपनी जो एक्सी है ना वो ट्रिप में भी लग चुकी है रिजर्व में और यहाँ पता नहीं विकेटी भाई क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हो टायर में, टायर गर्म हो गया। तो गाइस देखो और यहाँ भी बंदे रुके हुए हैं अपने मोहित भाई और राजशाह भाई और घास देखो कितनी अच्छी सी है। सो गाइस जो दूसरा टोल था वो भी आ चुका है जो कि है मथुरा का। और भाई यहाँ तो हमें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम जो फर्स्ट वाला टोल टैक्स था ना हम वहीं पे इसका भी ऐड ऑन करवा लिया था जो कि पिछला 60 रुपये था वहाँ का टोल और यहाँ का टोल था वो था 75 रुपये, तो वो हमने कटवा चुके हैं पहले ही और उनको हम पर्ची दिखा देंगे और ये हमें पास मतलब जाने के लिए दे देंगे फिर। लेकिन हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि मोहित भाई सबसे जो है उनके पास है पाँचों पासेस जो होते हैं। भसड़ होगी कुछ देखते हैं। जल्दी बोला सर ये नहीं है गाड़ी नंबर क्या तेरा ये तो गाइस ये रहा अपनी उसका स्कूटी का नंबर मतलब ऐसे कुछ पर्ची मिलती है और यही दिखाएंगे और फिर हमें एंट्री मिल जाएगी क्योंकि हम पीछे ही टोल पे करके आ चुके हैं भैया को। और भाई टोल मिल गया है और बस्ती खुल चुकी है। चलो भाई दूसरा टोली पार कर लिया, तीसरा जो आता है वो आता है आगरा का तो वहाँ तक तो हम मतलब जाएंगे ही नहीं आगरा तक, उससे पहले उतर जाएंगे। सो गाइस अभी टोल पे रुके थे और टोल कटवा चुके हैं और जो भाई यहाँ से किलोमीटर बचे हैं वो बचे हैं 28 किलोमीटर। और भाई थोड़ा ना धूप में थोड़ा राइड करना टफ हो जाता है क्योंकि यार गर्मी इतनी लगती है लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं राइड क्योंकि अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुँचना है हमें। और हमने ऊपर से जैकेट राइडिंग जैकेट और पहन रखी है, कोई नहीं फ़ोन यहाँ लगा देते हैं यार होल्डर पे क्योंकि हमने कल इसी को ही लगवाया था मॉडिफिकेशन के लिए, गंदा हो गया थोड़ा तो यूज़ में आने चाहिए भाई। लग चुका है भाई, लुक दिखा दो कैसा आ रहा है, ऐसे मतलब सही लगता है। हमें पेट्रोल पंप मिल गया है और हमें यहीं से मतलब अभी हमें हाईवे छोड़ना था और हमें यहीं से ना लेफ्ट होना था तो साथ साथ में भाई पेट्रोल पंप भी मिल गया, बहुत ही अच्छा हुआ ये। लेकिन भैंस की आँख आगे से और भाई फुल कराएंगे इसको। यहाँ लगाते हैं भाई, प्यासी है बहुत, फुल कर दो। यहाँ पे है 96 रुपये।
नीचे से तेल निकल गया, काट दे। 485 का पाइप ना इस साइड देखा लग रहा है, इस साइड से निकलता है, मेरा यहाँ से निकलता है। उधर से भी निकल गया, दोनों साइड से निकल गया। तो वैसे थोड़ा सा पेट्रोल निकल भी गया क्योंकि ज़्यादा हो गया था ना ओवरफ्लो की वजह से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। और भाई हाईवे का सफ़र यार काफ़ी अच्छा रहा, और यमुना एक्सप्रेसवे का। देखो भाई हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा क्योंकि गोल चक्कर घूम के ना हमें नीचे से फ्लाईओवर के नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ मारते थोड़ी लीन, यो लीन करने में अच्छा लगा, काफी अच्छा कर्व बना रखा था। और यहाँ से भी शायद हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा डायरेक्ट। भाई हम हाईवे छोड़ के अब आ चुके हैं लोकल रोड पे, और यहाँ थोड़ा लेंगे एक्सपीरियंस। देखो गाइस यहाँ से भी ऑटो मिल जाएंगे आपको मथुरा, अगर बस करके आ रहे हो ना तो ऊपर हाईवे पे छोड़ देगी, फिर वहाँ से हाईवे से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे मथुरा के लिए। और देखो सामने बोर्डिंग भी लगी हुई है कि मथुरा जो है वो सीधे है, तो सीधे चल रहे हैं भाई। बीच में हमने एक दो तीन ब्रेक ले ही लिए जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट करके आए थे वहाँ से, क्योंकि यार 80 किलोमीटर भाई एक सिंगल में ना तो कवर नहीं कर सकते नॉन स्टॉप, इसलिए दो तीन ले लिए। और बाकी अपने पेट्रोल भी फुल करा लिया भाई, पेट्रोल फुल कराने के बाद भाई जो अभी तक कितना दिल्ली से चली है ना वो 155 किलोमीटर चली है भाई अभी तक। ये सब घूमने को बढ़िया बढ़िया भैया, वृंदावन से निकल के जाओगे यहाँ से भैया 22 किलोमीटर मथुरा में। और कोई घूमने की जगह पूछ लो ना, घूमने वाली जगह बताना मथुरा में भैया। गोकुल चले जाओ, गोकुल मथुरा पहुँचते 5 किलोमीटर वहीं पे स्टे लेंगे मथुरा, ठीक है। तो गाइस मथुरा में स्टे कर रहे हैं हम, और बाकी यहाँ रिएक्शन चेक करो। तो गाइस ये रमना रिवर चेक करो भाई, कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। और भाई काफ़ी पानी इसका सही हो गया है क्योंकि भाई बाढ़ आई थी ना, बाढ़ के वजह से जो भी पोल्यूशन पोल्यूटेड थी ना वो थोड़ी बहुत साफ़ हो गई है और काफ़ी अच्छी दिख रही है भाई। और भाई सोच सकते हो जब बाढ़ आई होगी तो भाई जो ये छोटे छोटे घर हैं ना बिल्कुल रिवर के बगल में वो कहाँ तक बहने लगे होंगे। तो गाइज़ इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा, ये देखो गाइज़ मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया होगा इनका तो, काफ़ी जगह भाई पानी घुर गया था, आपको पता ही होगा यार न्यूज़ कितनी चली थी वाली। तो गाइस जस्ट हम एंटर कर चुके हैं श्री, वहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्णा नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। हाँ यहाँ पे एक भी एंटर देखने को नहीं मिली है, बात तो है। हाँ ये तो है भाई, आगरा में एंटोक नहीं है क्या यार? एंटोक वाले ग्रुप मेंशन करो और नीचे कमेंट डाउन में टैग करो अपने ग्रुप को और जो भी आपका चैनल है, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप नोटिस करना और बताना कुछ। अब नोटिस करो और बताओ। अच्छा फाइनल गाइस गोवर्धन आ गए हैं और ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, हमें नहीं पता है आ गए नहीं आए, मतलब 1 किलोमीटर बचा था पीछे और लगभग तो आ ही गए और